रोजाना हमारे घर परिवार आसपास के लोगों वर्क प्लेस या फिर सोशल मीडिया पर कुछ इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहती हैं और हम में से ज्यादातर लोग बिना ये जाने कि उस इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है या उस इन्फॉर्मेशन के पीछे क्या एविडेंसेस हैं, हम उन इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कर लेते हैं और उन इन्फॉर्मेशन को पास ऑन भी करते हैं। जिस समय हम अपने तक आने वाली हर इन्फॉर्मेशन पे यकीन करके उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उस समय हम हमारी थिंकिंग स्किल्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कहते हैं का यूज नहीं कर रहे होते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारी थिंकिंग का वो पार्ट है जिसमें हम तक पहुंचने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन पर आंख बूंद कर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हमारा एटीट्यूड इंक्वायरी का होता है। हम क्वेश्चंस करते हैं उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं भी या नहीं जो उस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो हमेशा उन तक पहुंचने वाली हर इन्फॉर्मेशन के लिए इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। उनके क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कैसे पता है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई एविडेंस है, या ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कही हुई बात है, या फिर किसी की फीलिंग्स को उसने एक्सप्रेस किया और लोगों ने उसे एक फंडामेंटल ट्रुथ मान लिया है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इन वायरल हुए मैसेजेस की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है और लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, उस बात को लॉजिकली और विद एविडेंसेस वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है जो न्यूज चैनल्स के द्वारा किया जा रहा है। एक फेमस कहावत है, गिव हिम अ फिश ही विल ईट फॉर वन डे एंड टीच हिम फिश ही विल ईट फॉर हिज होल लाइफ। इसी तरह हम हर एक चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि वो आए और हमें सच्चाई बताए, बल्कि हमें अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन किसी भी सिचुएशन में हम तक पहुंच रही है हम उसको क्रिटिकली इवेल्युएट कर पाए और सही गलत का डिसीजन ले पाए या कोई एक्यूरेट जजमेंट हम कर पाए चीजों को लेकर या सिचुएशंस को लेकर। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तीन कोर स्किल्स होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी हमें एक डिजायर जनरेट करती है कि हम और ज्यादा जाने, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लें और उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम एविडेंसेस कलेक्ट करें, उन एविडेंसेस के बारे में सोचें। यहाँ पर हमें न्यू आइडियाज के लिए एक ओपननेस चाहिए होती है। बहुत बार जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि हमारे कल्चर और अपब्रिंगिंग के कारण जो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में है वो इस प्रोसेस में बायसनेस क्रिएट करे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपने इस बायस्ड थिंकिंग को मिनिमाइज करना होगा, उसको पिन पॉइंट करना होगा और उसकी जगह पर हमें और ज्यादा नॉलेज और एविडेंसेस के बेसिस पे रियलिटी को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर क्यूरोसिटी हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना रही है और हमें किसी भी चीज से रिलेटेड एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्केप्टिसिज्म, जिसमें हम किसी भी इन्फॉर्मेशन पर ब्लाइंडली बिलीव करने की बजाय या आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय हम एक हेल्दी क्वेश्चनिंग करके उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखा जाए तो लगभग रोज ही हम अपने डेली रूटीन में, अपनी ईटिंग हैबिट्स या अपनी वे ऑफ वर्किंग में लोगों के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। किसी ने अगर कहा कि उसने कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करके वेट लॉस किया है, या अगर किसी पर्सन ने
कोई फ्रूट या वेजिटेबल का यूज किया और उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो जब वो आपको सजेस्ट करता है कि आप ये चीज यूज कीजिए, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, या आप इसको डाइट में इंक्लूड मत करो अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि जो बात हम तक पहुंची है वो किसी एक इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो और उस पर्सनल एक्सपीरियंस को उसने 10 लोगों से शेयर किया, उन 10 लोगों से ये बात और ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। लेकिन जब हम क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं तो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में ऐसा है कि किसी एक फ्रूट या वेजिटेबल के यूज से आपका कोई इमीडिएट हार्म हो सकता है, या किसी चीज का आपको इमीडिएट सोल्यूशन मिल सकता है। अगर ऐसा है तो उसमें क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स या क्या कंटेंट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, और इसके चांसेस कितने हैं, या अगर ये वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कोई सॉल्यूशन दे रहा है, तो उसमें दूसरे और कौन से फैक्टर्स हैं, क्या दूसरे वेरिएबल्स उसके पीछे वर्क कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर है ह्यूमैनिटी। जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन के लिए एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, या जो हमारी थिंकिंग या हमारे आइडियाज हैं वो गलत हैं, तो हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारी थिंकिंग आइडियाज या हमारे कॉन्सेप्ट्स में गलती है और हमें इसे इम्प्रूव करना होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी थिंकिंग को, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें एविडेंसेस से कोई मतलब नहीं होता, या वो दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनमें एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस होता है कि हमें सब कुछ पता है और आप जो कह रहे हो वो गलत है, तो आपकी बात को सुने बिना ही वो सिरे से नकार देते हैं। इस सिचुएशन में वो अपने फॉल्स आइडियाज, बिलीव्स और कॉन्सेप्ट्स को बनाए रखते हैं जबकि सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपकी हेल्प करती है सही गलत के बारे में जानने के लिए, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि आपके पास में उन चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, एविडेंसेस होते हैं, साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग में या जजमेंट में भी आपकी हेल्प करती है। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन पर आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय, या किसी की बात को बिना सोचे समझे फॉलो करने की बजाय, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, एविडेंसेस खोजिए और उसके बाद ही उस बात पर भरोसा कीजिए।